मतलब है आप सलावत कर लें, सबका तारुफ भी करा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिसबा साहब, डॉक्टर मिसबा तलावत कर लें। आप लोगों को पता है कि जी पाकिस्तान में कोरोना वायरस 26 फरवरी को पहला केस हुआ था। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, सीईओ इंडस हेल्थ नेटवर्क। जी जैसा आपको मालूम है कि जी 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में कराची में हुआ और इसी वक्त इस्लामाबाद में भी हुआ था। उसके बाद से एक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर लॉकडाउन की होती रही, लेकिन ये कि केसेस बहुत स्लो बढ़ते रहे और फिर 14 अप्रैल को लॉकडाउन को ईज आउट करने की बात हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ें इस दौरान उलमा ने, लोगों ने, सब ने तआवुन किया और केसेस बहुत कम होते रहे। 14 अप्रैल के बाद कुछ उसके बाद उसकी जो है ना ईज आउट करना शुरू किया गया, कुछ इंडस्ट्री खोलने की बात हुई, मसाजिद में भी सब कुछ हुआ, जिसको हम सब इसकी मुखालफत में थे, क्योंकि हम समझते थे कि कम अज़ कम 2 इंक्यूबेशन पीरियड का लॉकडाउन होगा तो कुछ बेहतरी आएगी। अब वो अपनी मसाइल होंगे उनकी वजह से, लेकिन कुछ ये हुआ उसके बाद कि जी जब अब रमज़ान भी आ रहा था तो एकदम लॉकडाउन जब से कुछ ईज आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत जो इसमें काफ़ी गम व गुस्सा था, उनमें बड़ी परेशानी थी, उनके स्ट्रेस था उनके ऊपर, और उन सब ने सोचा था क्योंकि ये इस जो वबा है इसके एक्सपर्ट जो है ना डॉक्टर्स हैं, वो चाहे आईडी के प्रोफेशनल्स हों या कोई भी हो, और सारी ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया भर जो है ना उन्हीं के मशवरों पर चलती है। तो उसके बाद जब ये हुआ तो बहुत परेशानी होने लगी, तो उस सिलसिले में हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केट्स हों, चाहे शादी हॉल्स हों, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए जब परेशानी ज़्यादा हुई तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर ने कहा कि जी हम सब अपने इसको हम अपने आप, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पर जितनी जो जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान कराची में हैं वो सब तकरीबन भर चुकी है। तो मैं समझता हूं कि मैं साथ आप इसके ऊपर कुछ बात करें। सर इधर आएगा, आप इधर आए। मेरा नाम डॉक्टर साद नियाज है, मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में और वैसे जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर बारी ने आपको बताया, मसला ये है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी होंगे, उसके जाहिर है सोशल इफेक्ट्स भी हैं, उसके जितने भी असरात हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि यह है प्राइमरीली बेसिकली एक मेडिकल इशू। पिछले एक हफ्ते अगर आप देखें तादाद को तो हमारे पिछले 5 दिन में यानी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 6772 मरीजों से हम बढ़कर 9464 पे चले गए, तकरीबन 30% से ज्यादा बढ़ा है 4 दिन में 40%। 2692 मरीज बनते हैं पिछले 4 दिन के अंदर। अगर आप 25 फरवरी से लगाएं तो हमें 2000 पहुंचते टाइम लगा। ये एक ख्याल है कि जी ये मर्ज जो है ना हमारे यहाँ है नहीं, उसकी वजह एक सबको पता है कि टेस्ट का इशू है जो रहा है और जो रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम समझते हैं सारे डॉक्टर्स कि ये नंबर्स इसके हैं और नंबर्स हमें और इफेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आया शायद कि हमारे यहाँ क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में और खासतौर पर पाकिस्तान में जो है ना वो हमें असर नहीं करता ही, अगर हो भी जाए तो कुछ होता नहीं।
इसका अंदाजा अभी डॉक्टर बारी ने आपसे कहा कि जितनी कोविड 19 की फैसिलिटीज हमारे पास इस वक्त शहर में, कोरोना के वायरस की जो सीरियस मरीजों की फैसिलिटीज इस वक्त शहर में, वो तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी आ गई है, जबकि अभी ये मर्ज ने पीक नहीं किया है। अभी हम जो ग्राफ के इस तरफ है, उल्टे हाथ पे, तो ये चीज को जहन से निकालना बड़ा जरूरी है कि एक हम इससे बचे हुए हैं, एक हमारे यहां ये है नहीं, तो ये सारी मिथ्स हैं जिनको तोड़ना बड़ा जरूरी है। अगर लॉकडाउन ना किया होता जो कि हुआ है, तो आज हालात ये ना होते जो हमारे पास आज है, और इसी तरह अगर हमने एक्ट नहीं किया तो आज जो हालात हैं वो दो हफ्ते बाद नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जितने भी वार्ड हैं 80% ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो जाहिर है सीरियस मरीज हमारे पास आ रहे हैं। एक चीज जो हमारे में और वेस्ट में फर्क है वो ये कि हमारे यहां 60 साल से कम उम्र के मरीज वेस्ट से बहुत ज्यादा है। तो और इसमें जो एक बहुत बड़ी मसले की चीज है वो कि डॉक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास आप सबको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज वैसे ही कम है, हमारे पास स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट, डॉक्टर्स वेस्ट के मुकाबले में बहुत कम है, हमारी तिब्बी सलाहियतें कम है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास इससे लड़ने की जो चीजें हमें चाहिए वो है नहीं, और इस चीज को रियलाइज करना बड़ा जरूरी है। हमारा ये ख्याल है सबका कि जिस तरह हालात चल रहे हैं हमें ये बहुत मुश्किल होगी। वी विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन द कमिंग डेज। रिफ्यूजल टू एडमिट पेशेंट बिकॉज ऑफ नो बेड्स, हमारे पास बेड्स नहीं होंगे, या हमें ये मरीज नॉर्मल अस्पताल में, जहां पे अगर पिछले हफ्तों के वाकयात सबने जो देखे कि वार्ड्स बंद हो गए एक मरीज के आने से, तो अगर वो मरीज कोविड 19 के अगर आ गए तो उससे ये मसला होगा। जहां पे कोविड 19 की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पे डॉक्टर्स सारी प्रिकॉशंस लेते नहीं है, आप सबको पता है कि डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस के कितने पीपी अवेलेबल है, मास्क जो खास मास्क होते हैं वो N95 वो हमारे पास कितने हैं वो सब आपको पता है, बाकी लोग इस पे और ज्यादा वो कर सकते हैं। इनफैक्ट सिवियरिटी इज मच मोर देन व्हाट वी थिंक। बॉटम लाइन ये है कि जितना समझा जा रहा है उससे बहुत ज्यादा ये मसला है ऑलरेडी, और इस बात का इम्कान है और सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि ये अगले दो हफ्ते में, दो से चार हफ्ते में और बढ़ेगा और शायद पीक करेगा। और अब मैं आपको जो डॉक्टर्स की फिगर्स बता देता हूं कि हमारे पास मोर देन 162 हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव इन सिंध अलोन। 162 लोग सिंध में डॉक्टर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। हमारे पास मैं नाम लेना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में बहुत कम अस्पताल होंगे जहां पे वार्ड्स बंद नहीं हुए, और अगर पेशेंट्स नॉर्मल इन अस्पतालों में आ गए जिसका इम्कान है, तो फिर हमें हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन में जाएं जहां अस्पताल भी बंद हो जाए। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसको खुदा के लिए लाइट ना लिया जाए इन मिथ्स की बेसिस पे, इन ख्यालात की बेसिस पे। दूसरा मसला है, वी नाइदर हैव एनी क्योर एट प्रेजेंट नॉर कैपेसिटी टू, जैसे मैंने कहा कैपेसिटी तो है नहीं और अभी हमारे पास कोई दवा दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही। जितने भी इलाज है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, उनके ऊपर वो कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तो नहीं है। जो हमारी करंट कैपेसिटी है वो इसलिए अब तक सस्टेन कर सकी है, उसको बर्दाश्त कर सकी है, क्योंकि मरीज जो है वो ट्रिकल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बढ़ने नहीं दिया लॉकडाउन से। अगर मरीज हमारे पास एक तादाद से ज्यादा आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा अगर 80% कैपेसिटी ऑलरेडी भरी हुई है कराची जैसे शहर में, तो बाकियों का तो आप सोच लें। अगर ये मरीज अचानक बढ़ गया, मर्ज बढ़ा जैसे बढ़ता नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं वो आप सबको पता है, प्रोजेक्टेड फिगर्स जो है वो 70,000 तक है, 70,000 में अगर 10% लोगों को सीरियस मर्ज हो गया तो हमारे पास तो अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है कुछ इस नंबर्स के डील करने के लिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत रह जाती है, बचाओ। ना हमारे पास सलाहियत है टू बी ऑनेस्ट, ना कैपेसिटी है इतनी ज्यादा कि हम इसको डील कर सके। जो अब तक हम लोग कह रहे हैं और जो अब तक किया है उसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले एक महीने में
खुदा ने खासतौर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि 200 से ज्यादा लोग कम से कम, और ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स है ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ वैसे हुई है जो कोरोना के थे लेकिन जिनको नहीं पता चला। तो कम से कम हमें पता है कि इतने लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। मसला हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है, 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। इस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि रमजान का महीना भी आ रहा है, हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, और हम इस चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि खुदा के लिए प्लीज इस मर्ज को लाइट मत ले। हम डॉक्टर्स परेशान हैं, हम फ्रंट लाइन पे हैं, खासतौर पे जूनियर डॉक्टर्स जो बगैर प्रॉपर इक्विपमेंट होने के बावजूद वो इन मरीजों की मदद भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, और नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, इवन हॉस्पिटल के बाकी जितने स्टाफ हैं, लेकिन वो लड़ेंगे जब जब उनको लगेगा कि आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चलेगा कि जी हम तो लड़ने को तैयार हैं, हम रिस्क भी ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी बाकी सब चीजें खोल दो, जो होगा देखा जाएगा, वो दैट अप्रोच ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी डिप्रेसिंग है। और मैं जब भी यहाँ पे पीमा भी है, पीएमए भी है, डॉक्टर्स हैं, और ये मैं आपको पाकिस्तान के 99% कम से कम डॉक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करके आपसे कह रहे हैं कि प्लीज खासतौर पर जूनियर डॉक्टर्स बहुत डिसहार्टन है, हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है, और अगर हमें ये सपोर्ट नहीं मिली तो जाहिर है एक वक्त तक हम लड़ेंगे, उसके बाद हम भी खत्म हो जाएंगे, और हमारे पास इतने ज्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान में नहीं है इस मर्ज से लड़ने के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी और मैं यहाँ पीमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे डॉक्टर साद खालिद नियाज ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ पीमा नहीं है बल्कि पीएमए भी है, और बहुत इलीट जो डॉक्टर्स की क्लास है, डॉक्टर अब्दुल बारी बैठे हैं, डॉक्टर साद खालिद नियाज बैठे हैं, डॉक्टर मिसबाहुल अजीज बैठे हैं, हम सब यहाँ पर इसलिए आज जमा हुए हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक आ रहे हैं, और हमने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है, इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है, जो आसान है वो पूरा फुल है, ये 3 फैसिलिटीज हैं जहां पे आईसीयू है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की गुंजाइश नहीं है अब, तो जब ये मरीज बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ जाहिर है ये फैसिलिटीज का फुकदान है। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज वाजे करते चले जाऊं कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट द वेंटिलेटर्स ओनली, ये सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है कि हम समझे कि हम किसी भी आईसीयू में डाल देंगे, वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक आईसीयू फॉर कोविड पेशेंट विद अ नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर एक 8 या 12 बेड की जो आईसीयू होता है उसको लगने के लिए कम से कम ये 60 लाख का खर्चा है, 60 लाख। इज द गवर्नमेंट एंड द रिसोर्सेज आर रेडी टू सपोर्ट दीज आईसीयू? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे पास तो पीपी के लिए पैसे नहीं, हम पीपी मांगते हैं तो हमें खबर मिलती है कि जी आप जिंदगी अजीज है तो आप नौकरी छोड़ दें, हम नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम अपनी फील्ड छोड़ रहे हैं, हम यहां पे खड़े हुए हैं, वी हैव सीन अवर जूनियर डॉक्टर्स, वी हैव सीन अवर सीनियर डॉक्टर्स टू फाइट विद द कोरोना विदाउट पीपीज। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम ये चीज देख लें कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिस तरह वो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं सिविल, मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिस तरह डील रहे हैं, उनमें से कोई एक मरीज अनदेखा दुश्मन है, आपको नहीं पता कि इनमें से आने वाला कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है, वो उस मरीज को उसी तरह से डील करते हैं, उसी तरह उसकी जिंदगी बचाते हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, जैसे वो करते रहे। एंड मेनी ऑफ देम 160 इज नॉट अ लेस स्पीकर, ये सारे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, और वो इस तरह लड़ते हैं कि उनमें से कोई भी हिलाले जुल्लत और सितारे जुल्लत से कम का हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दुश्मन को देखा नहीं है। और ये ना समझिए कि ये 162 या 168 जो फिगर है ये सिर्फ ये 162 है, बल्कि इनके घर वाले हैं, इनके बीवी हैं, इनके बच्चे, ये सब आइसोलेशन के अंदर है।
पूरी फैमिली सफर कर रही है। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए, हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ, अब होगा ये कि इसके बाद जो है जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। खुदा ना करे हमारे यहाँ वक्त आए, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके लिए हमें चीज सोचनी चाहिए, हमें ये चीज सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट्स आ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है। और जिस तरह से साथ भाई ने कहा कि बिल्कुल कि हमारे ये जो मिथ्स हैं कि गर्मी होगी तो खत्म हो जाएगा, हम लोग बहुत इम्यून है, पीसीजी लगा हुआ है, ये सब चीजें बिल्कुल फॉल्स है। हम यहां पर इस चीज का जो है उसकी हम डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। इससे हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन सात भाई ने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई, ये हमारा फर्ज है बहसे मुसलमान सदका निकालें, हम लोग जो है वो ज़कात दें और हमारी जो एनजीओज हैं वो जाएं उन जगहों को देखें, गवर्नमेंट है उसके पास फैसिलिटीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो है या पाकिस्तान में इतनी फिलैंथ्रोपी होती है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं होती, डिक्लेयर्ड फिलैंथ्रोपी में 14 नंबर पे, और इस हाथ को दो इस हाथ को खबर ना हो ऐसे तो पता नहीं कितना है। तो जब ये फिलैंथ्रोपी होती है लोगों को खाना भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है। क्या चीज? तो अब ये जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉकडाउन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल सोर्ट्स टू कंटेन द रैपिड स्प्रेड ऑफ COVID-19, द गवर्नमेंट शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर टू, अवाम को कॉपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के खानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा खानदान आइसोलेशन में चला गया। तीसरी चीज, हम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि लॉकडाउन बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं हर एक के ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं, हमारे भी घर क्लिनिक्स ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई है, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर है। लेकिन इसको लाने का मकसद यह है कि आप अगले 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहां से करेंगे, जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। तीसरी चीज, द सोसाइटी स्पेशली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ जिनसे हमने पहले भी कहा कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल उनको हल करने की कोशिश करें। रमजान का महीना है, कराची में पाकिस्तान में बहुत सदका खैरात होता है, इस सदका खैरात वो करें। और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म का कॉन्ग्रीगेशन, हम अभी एक कल की खबर है कि एक जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर या जो शॉपिंग मॉल है, जो मार्केट है, वो बंद हो गई क्योंकि 6 कोरोना के पेशेंट निकल आए। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कौन से स्टोर जो जिन पे रश लगा हुआ है, मक्खियों की तरह लोग जाते हैं उन पे हो जाए, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वहां पे, हमने खुद देखा है। बहुत सारे छोटे इलाके हैं जो के सबर्ब्स हैं, उनके अंदर जो है वो बेशुमार ठेले वाले हैं और जनाब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई अफ्तार से पहले का जैसा रश होता है उस तरह का रश। हुकूमत को चाहिए कि इस पे स्ट्रिक्टनेस करे, किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ तो उलमा-ए-इकराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वजीर आला सिंह के साथ आया था। हम इस चीज पे ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कॉन्ग्रीगेशन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, और खाली ये नहीं है कि खाली ये मस्जिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी अगर हम ये नहीं रोकेंगे, और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मस्जिद को याद रखेंगे। तो ये हमारे चंद मतालबात हैं। मैं चाहूंगा कैसर भाई इस पे जो रिलीजियस स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स टू प्लीज अंडरस्टैंड दैट सेविंग लाइफ इज ऑफ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द एपिडेमिक। They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosque. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority, even if sick and old avoid mixing in the mosque. The healthier and young may bring the virus home and infect others. Almost all the Islamic countries have closed the mosque, including Harman, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Juma by the mosque staff only. We need to support. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है, मैं मरकजी रहनुमा हूं, सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम दोस्तों का, और खासकर बारी का और साद हैं, सुहेल हैं, मिसबा भाई, ये सारे लोग जो यहां आए हैं। और मैं पाकिस्तान के जो पीएमए के लोग हैं, जो वाईडीए के लोग हैं, उन सब से, पीमा के लोग हैं, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने से मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह बात की है। दे ऑल वरीड, वो बहुत परेशान हैं कि अब दो दिन बाद जब रमजान होगा तो क्या होगा। समझने की बात यह है कि ये बीमारी है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये कोई ऐसी मजाक हो रहा है या कोई चाल है किसी की, और ये कोई गेम है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। खुदारा इसको समझें, ये एक बीमारी है और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, दुनिया में हो रहा है। हमें ये सोचना है कि ये बीमारी होती किस तरह से, ये लगती किस तरह से। ये लगती इस तरह से है कि आप दो लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों सही हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों सही हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को वायरस है उसके जिस्म में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस रखें ताकि अगर वायरस है तो वो आपको ना लगे। इन हालात में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को रोड पे रोक के 100-200 लोग खड़े किए जाते हैं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहीं पर भी कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ काम यह है कि खुदारा, हम इसलिए यह जमा हुए हैं कि हॉस्पिटल में, जैसे साध ने कहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई जगह मौजूद नहीं है, ये क्लियर सुन लें। हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का पाकिस्तान में। जब कोरोना आने से पहले भी हमने बहुत शोर मचाते थे कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम, एड्स का प्रॉब्लम, वाटर बोर्न डिजीजेस, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, बहुत सारे प्रॉब्लम, फिर मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस, वो हमसे नहीं संभल रहा था, हमारे हुक्मरानों से उस पर कोई काबू नहीं कर पा रहा था। तो ये कोरोना को कैसे काबू करेंगे? और यहां पे ये बात दुरुस्त है कि मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है, इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। अगर डॉक्टर्स कोई मशवरा दे रहा है, जैसे हम लोगों से कहते हैं, अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखिए आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोजा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोजा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें एक टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 एसओपीज बनाए, 20 पॉइंट के एसओपीज बनाए, मुझे बताएं कि क्या ये एसओपीज पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा, कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा। और वजीर आजम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो एसओपीज पे पूरा नहीं उतरता उस मस्जिद को बंद कर देंगे। सर वजीर आजम साहब, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब आपको पता लगेगा कि एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद तो बहुत सारे लोग बिस्तर के लिए ढूंढ रहे होंगे, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही होगी। लिहाजा बहुत मुद्दबाना तौर पर हम सब यहां बैठे हैं कि ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आपका फैसला होना चाहिए। आप इस पे सियासत के तौर पे वो ना करें, किसी तरह से कोई कंपनसेट ना करें, खुदारा इस पे फैसला करें और आपका एक फैसला हो, लगे कि हुकूमत है, हमें पता लगे कि हुकूमत है यहां पे, और आप फैसला करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें, आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं,
क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी जात से कोई दूसरा बीमार हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और मस्जिद में जो लोग जा रहे हैं उनका क्या पता कि वो खांस रहा है नहीं खांस रहा है, वो वायरस लेके घूम रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसको वापस लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर, जैसे मैंने कहा कि यहां पर बर्डन ना बढ़ाया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर, और बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, बहुत सारे हम बात करते भी रहे हैं। आप कोई सवाल कर लेते हैं? देखें अभी तक, अब तक तो माशाल्लाह उलमा ने बड़ी ताउन जारी रखा था, पहले काफी ताउन जारी रखा है, और मेरे ख्याल में अब जब इतनी ग्रेवनेस हम बताए, नहीं हम, हमारा ख्याल ये है कि जैसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग ज्यादा जमा होंगे तो उससे ये मर्ज फैलेगा, हम ये समझते हैं कि मस्जिद कायम रहे, अजाने हो, मस्जिद में जमात हो, चंद लोग जो वहां का स्टाफ है वो नमाज पढ़े, तरावी की गुंजाइश तरावी घर पे पढ़े, सुन्नत है और घर पे पढ़ने में भी उतना ही सवाब होगा। जब हमारे पास मसला निस्बतन कम था तब तो हमने लॉकडाउन किया और ये सारी चीजें जो डॉक्टर बारी कह रहे हैं वो हर जगह अप्लाई की। जब आज हम कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मसला बढ़ रहा है तो ये तो दानिशमंदी नहीं होगी कि हम कहें कि नहीं अब हम इसको खोल देते हैं जब बढ़ रहा है। इस वक्त ये मैं समझता हूं अगले चार हफ्ते कम से कम, और हो सकता है ज्यादा भी हो, ये तो बहुत क्रूशल है बिकॉज यहां नंबर्स डबल और ट्रिपल बहुत जल्दी होंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी। वकार वकार आप। भट्टी, आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं खुद इंडस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हूं और मैं कोरोना के पेशेंट्स को एक्टिवली डील करता हूं। कल मैं 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करके जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरे अंदर जिंदगी में मेरे अंदर जान बाकी नहीं थी। इतने डिमांडिंग पेशेंट, हालांकि सिर्फ 20 पेशेंट्स मैंने देखे थे, इतने डिमांडिंग पेशेंट होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स पेशेंट होते हैं, इतना ध्यान से उनको देखना पड़ता है जान बचाने के लिए कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम हर मरीज को सही तरह से देखना चाहिए लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, चार चार पांच पांच डॉक्टर स्पेशलिटी मिलकर देखते हैं। हमारा इंडस का तकरीबन और दूसरे अस्पतालों का भी तकरीबन पूरा स्टाफ डाइवर्ट हो चुका है इनको देखने के। तो वो अफराद जिनको ये ख्याल हो कि कोरोना नामी की कोई चीज नहीं है, मैं उनसे सिर्फ दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी ऐसे अस्पताल का विजिट कर लीजिए, सिर्फ 15 मिनट उस आईसीयू में हमारे साथ आ जाइए गाउन पहनकर, और आपको खुद नजर आ जाएगा कि हकीकत कितनी है और कितनी है। मेरा ख्याल है जितनी खराब हकीकत है उससे शायद बहुत कम हमें नजर आ रही। मैं जब से देख रहा हूं पाकिस्तान में कभी भी फिगर सही नहीं मिली आज तक, तो ये तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। फिगर्स क्योंकि डेली चेंज हो रही है और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दीगर अस्पताल, तो इस वजह से हो सकता है फिगर्स में कोई फर्क आया हो, लेकिन जाहिर है हमने हमेशा देखा है जिसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है, और एक हद तक ठीक भी है, लोग डरे ना, लेकिन जरूरी यह है कि हकीकत बताई जाए, क्योंकि अब हम उस सिचुएशन में जहां आ गए हैं जहां पे हम समझते हैं कि हो सकता है अल्लाह ना करें कि 2 हफ्ते बाद हमारी भी खबरें उसी तरह चल रही है जिस तरह बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही है, लेकिन हमारे पास एक चीज का ख्याल रखें, ना वसाइल है ना 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 स्टाफ है। लॉकडाउन चलते चल रहा है, मस्जिदें खुलने नहीं हो रहे, हुकूमत
बात यह है कि बज़ाहिर जो है ना फजा ऐसी नजर आती है कि सिर्फ मसाजिद के खिलाफ की बात होगी, लेकिन जबकि आप देखें डॉक्टर्स की जितनी भी तंजीमें हैं उनका शुरू से मौकफ ये रहा है कि कॉन्ग्रीगेशन जो है किसी भी किस्म के उनको ममनू करार दिया जाए, चाहे वो मसाजिद हों, चाहे वो मजारात हों, चाहे वो सुपर मार्केट्स हों, चाहे वो सरकारी दफातर के अंदर बड़े बड़े मजमे हों, तो हर किस्म के, क्योंकि ये जो कोरोना है ये नहीं देखेगा कि चूंकि नमाजी है तो मैं इसको अफेक्ट करूंगा, वो बगैर तफरीक के छोटे बड़े की मजहब की नस्ल की हर किस्म के शख्स को वो मुतासर करेगा। और दूसरी बात जो अभी फिगर्स की आ रही थी, आप देखें बज़ाहिर तो बहुत गंभीर मसला है और हमारे फिगर्स बाकी दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप प्रेस के जरिए मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चीज को उठाएं कि टेस्ट करने की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए ताकि असल मसला कितना है उसको किस तरीके से टैकल करना है, इसलिए कि अभी तक तो ये हमारे सामने चंद हजार और चंद सौ में हम चल रहे हैं, ये लाखों में है। ये आप ये समझ लेंगे अब एक मरतबा फिगर्स आएंगे तो अब हम सब हैरान परेशान हो जाएंगे कितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। पिछले पांच दिन में दुगना हुआ है, पिछले पांच दिन में दुगनी हुई है फिगर। डेफिनेटली ये एक मसला है और इसमें देखें कोरोना में जो है ना सिर्फ चंद हस्पताल जो कोरोना के लिए कर रहे हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल है, खान है, शौकत अपना गांव का ऊर्जा कैंपस है और जिना है और SIUT है, तो ये तो कोरोना के डिफाइंड है, इसलिए क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी इन्हीं जगहों पे थी इसलिए वहां कन्फाइंड किया गया था। कुछ लोग खौफ की वजह से भी जो छोटी छोटी बीमारियों की वजह से वो अस्पतालों में नहीं गए, छोटे ऑपरेशन से खुद अपने तौर पर कि कहीं हमको कोरोना न लग जाए, वो हुआ। कुछ हॉस्पिटल ने ये इलेक्टिव तो बंद कर दिए गए थे क्योंकि एक जो सूरत हाल थी जो हमको नजर आ रहा था कि कितने पेशेंट होंगे, वैसे काफी अस्पताल जो है ना जनरल एमरजेंसी बढ़ गई, एमरजेंसी का लोड चाहे हमारे हॉस्पिटल में हो चाहे तमाम हॉस्पिटल में वो बढ़ी है, लेकिन ये यकीनन कुछ ऐसे कुछ अस्पतालों ने किया है क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए हैं उनके लिए यही कहा गया था कि आप अपने सैंपल्स भेज दें और वहां पर होगा, लेकिन उन्होंने फिर वहां भेजना शुरू किया कि पहले टेस्ट होके आएगा तो होगा, उसमें कुछ पॉजिटिव भी आए। ये डेफिनेटली क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि अगर ये हम लोगों ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया और जो हालात आएंगे, क्योंकि ये हुआ क्यों, मतलब ये कल दो खत क्यों लिखे गए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो था वो ये कह रहे थे कि जी अगर लोगों की बेवकूफियों की वजह से हम क्यों भुगते, ठीक है ना, आवाम अगर खुद अपने आप को प्रिवेंट नहीं करना चाहती, अगर वो खुद ही खुदकुशी करना चाहती है, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये अपने घर पे जाके अपने बच्चों से नहीं मिलते, अपने माँ बाप के पास नहीं जाते कि उनसे उनको ना होगा। क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है, बहुत सारी जगह हो सकता है इससे हम इस महीने अगले महीने आगे बढ़ जाएं। गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग क्रिएट की है, नए ICUs नए वेंटिलेटर्स आए हैं, अस्पताल बहुत सारी चीजें ऐसी ले ली गई हैं जो कि अस्पतालों में आ जाएंगी, जब इस मकसद से अल्लाह करे कि हम जल्द इस
वबा से जान छूटे, अल्लाह से सब दुआ करें इसके लिए भी, तो इंशाल्लाह अस्पताल बेहतर हो जाएंगे इसके। बात यह है, एक तो यह है कि टेस्टिंग कैपेसिटी पहले से बढ़ी, शुरू में हम दिन के 400-500 कर सकते थे, आज तकरीबन 3,500-4,000 टेस्ट कर रहे हैं। जब टेस्ट ज्यादा हुए हैं तो लोग उनका डायग्नोसिस बन गया। देखें आज भी 340 नए केसेस आए हैं सिंध में, ये पहले 15 बढ़ते थे 20 होते थे, आज टेस्टिंग 15% जो है ना पॉजिटिव निकले हैं उसमें से जितने टेस्ट हुए, तो ये कल 20% भी हो सकते हैं। जो टेस्ट बढ़ेंगे, टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये एक ग्लोबल इमरजेंसी थी, सारी दुनिया में हर एक को अपनी पड़ी हुई थी, कोई किट्स बाहर से आ नहीं सक रही थी, वेंटिलेटर आज इस ग्रुप में कहीं से नहीं आ सकता क्योंकि लोग अपने 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 हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुछ जगहों से अब आना शुरू हुआ है, लेकिन ये है कि जब तक हम खुद, क्योंकि जब हकीकत आपको पता होती है कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से बनती है। अगर मेरे पास अस्पताल बहुत अच्छे होते, सब कुछ होता है, तो हम परेशान नहीं होते, हम एकदम स्क्रीनिंग करते, लेकिन अभी सूरत है बिहार। एक मिनट जरा आप बोलने से पहले एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी से थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करूं कि देखें हम जितने लोग यहां बैठे हैं ना, हम सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे, हम मस्जिदों की तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उलमा से और हुकूमत से कि ये जो फैसला हुआ है रश लगाने को हम मना कर रहे हैं, वो रश गलियों में भी लग रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ भी हैं, हम उसके खिलाफ भी हैं जो कि लोग राशन बटोर रहे हैं उसके खिलाफ है, फैक्ट्री खुल गई है, इंडस्ट्री खुल गई है, रोड पे रश इतना ज्यादा हो गया है, तो हम इन सब चीजों के खिलाफ है। तो सिर्फ एक पॉइंट यह ना किया जाए कि ये है, दूसरा ये है कि जो आपका पॉइंट है सरकार के साथ तो हम बैठते ही नहीं है, सरकार फैसला कर लेती पीएमए नहीं बैठती है। अब आप पूछे क्या कह रहे हैं, नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना के लिए यूनिट बिल्कुल अलग बनाए गए हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर्स हैं, उनका उनकी लोकेशन भी अलग है, और जो दूसरे हॉस्पिटल दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनकी जो इमरजेंसी उन अस्पतालों में चल रही है, इलेक्टिव सर्जरी नहीं हो रही। अगर हल्दिया का किसी का आज ऑपरेशन नहीं 6 महीने बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर आप बोले कहूंगा कि हमने डॉक्टर्स ने जो इस वक्त इस वर्ष से डायरेक्ट लड़ रहे और डायरेक्ट अफेक्टेड हो रहे, हमने अपना फर्ज समझ के इस सारी चीज को अपने ऊपर लिया है। हमने हुकूमत के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए, ताजरों के लिए, उलमा के लिए, सबके लिए आसानी इसलिए कह दी कि ये जंग हमारी है, हम लड़ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसको इस तरह लड़ना है। अभी तक नहीं है बिल्कुल आपके सामने, तो यही तो कह रहे हैं कि जो शुरू में किया था उसको अब और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, कंटिन्यू करने की जरूरत है। यासिर देखिए, बात यह है कि एक बात को आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली रिएक्ट किया था इसके ऊपर। जब शुरू में पहला 25 फरवरी को 8 बजे केस आया था पहला, और सुबह 8 बजे मुझे कॉल आई थी कि एक इमरजेंसी मीटिंग है, और इस 12 घंटे के अंदर हुकूमत ने जो मरीज था उसके कॉन्टेक्ट, जो 28 लोग थे उनके घर का एड्रेस, उनके सबको कॉन्टेक्ट देना, ईरानी एम्बेसी से पिछले 3 महीने में जितने वीजा इश्यू हुए थे
वो सब का डिटेल ले लेना, उन सब लोगों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर लेना, रैपिड रिस्पांस टीम बना लेना। मुझे खुशगवार हैरत हुई थी कि ये बहुत तेजी से काम हुआ है और मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सीएम साहब से कहा था कि ये 25 लोगों को पता है, सबको पता होना चाहिए ताकि ये लोग पता हो कि गवर्नमेंट इसमें डाल रही है, पैसे डाल रही है। गवर्नमेंट ने कोरोना इमरजेंसी फंड में 3 अरब रुपये डाले, प्राइवेट लोग भी डाल रहे हैं और हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवाम हो, डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, हम सब मिलके इस जंग को लड़ के जीत सकते हैं। अकेला कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई अपने अपने कंधे पे नहीं ले, डॉक्टर्स अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार है जिम्मेदारी। जो हुकूमत फैसला करे कि तो ये करे कि ये मुश्किल फैसले करने, बोले डॉक्टरों ने कहा ये करना है, उलमा ने कोई मुश्किल फैसला करना है वो बोले डॉक्टरों ने कहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये चीज हम इसके लिए हम सब लेने के लिए तैयार हैं। हम अल्लाह से दुआ करके आए हैं कि हम जो फैसला करें हमको सही फैसले की तौफीक हो। अल्लाह मियां के सामने हम खुशरू होकर जाना चाहते हैं। अच्छा सिर्फ एक क्वेश्चन कर ले बस एक देखिए इसके पहली बात तो ये है कि जैसे बार बार ये बात कहा जा रहा है कि हम मर्ज से लड़ रहे हैं, हम मर्ज के मुताबिक बात करने आए हैं, हम माहिर माशियात नहीं है। हम इन तमाम एंगल्स जी बिल्कुल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी ये बात कही कि इतनी फिलेंथ्रोपी है और इतनी एनजीओज हैं। आप मुझे बताएं कि इन 40 दिन के अंदर, जैसे साथ भाई ने कहा कि कोई एक आदमी, कोई एक ऐसा ओकेजन हो कि कोई आदमी को खाना ना मिला हो, इसको भूख से उसकी मौत वापे, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि 200 अफराद कोरोना से मर चुके हैं। देखें इकोनॉमिकली जो है हम इस चीज को मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में एक वो है कि 1,40,00,000 अफराद जो है वो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। इन तमाम एंगल्स को देखना, वो एनजीओ उसको देखें जो बहुत सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट उसको देखे, और उनके लिए हमने उस दिन भी सजेशन दी थी कि इसको आप एनजीओ के जरिए राशन पहुंचाएं, के इलेक्ट्रिक के जरिए पहुंचाएं, गैस के जरिए पहुंचाएं। अच्छा एक बात सॉरी, मैं डॉक्टरों के बिहाफ पर सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद रजीमुद्दीन हूं, बीमा कराची का प्रेसिडेंट, कि हम डॉक्टर और तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार हैं, हम लोग फ्रंट पर हैं कि हम आप लोगों की जंग हम लड़ेंगे, हम अस्पतालों में ड्यूटी देंगे, हम मुश्किल हालात में आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तमाम लोगों से दरखास्त है हर शोबे जिंदगी से, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे मसाजिद हो, कि वो हमारा साथ दें। ऐसा नहीं है फौज की, जब तक आवाम नहीं होगी तब तक फौज नहीं रह सकती। ठीक है जी, बस इसी पर हम खत्म करते हैं आज आप मीटिंग। अच्छा की तरफ ही जाने की 15 मई तक 70-80 हजार होगा, लेकिन ये मैं इसको बस कंक्लूड करते हैं। हम लोग पर कोई सवाल बात नहीं करें। देखें जब इस 70 हजार के ऊपर जाएंगे उसके हिसाब से तकरीबन 7 हजार लोग ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होगी। तकरीबन 3 हजार जी तकरीबन 70 हजार के करीब अप्रोक्सीमेटली जी